शांति आज की तारीख है सत्रह एक इक्कीस और आज हम सुनेंगे फिर से प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली तो रिवाइज कोर्स की तारीख है चौदह दस सत्यासी और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन बाप से सर्वसंबंध अनुभव करने की जीवन तो बाप दादा बोले कि आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले अनेक कल्पों से मिलने वाले ऐसे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं तो सभी को स्मृति आती है कि हम हर कल्प अनेक बार मीठे मीठे बाप दादा से मिले हैं और अभी भी हम फिर से बाप दादा से मिलन मनाने आए हैं तो ये अलौकिक अव्यक्ति मिलन भविष्य स्वर्णिम युग में भी नहीं हो सकता बाबा कहते ये मिलना इतना अलौकिक है और अद्भुत है कि ये मिलन हमारा सतयुगी दुनिया में भी नहीं हो सकता सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है सिर्फ ये संगम युग को ही वरदान है जो हम मिलते हैं बाप और बच्चों के मिलन का इसीलिए इस युग का नाम ही है संगम युग अर्थात मिलन मनाने का युग ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएँ हो बाबा हमें हमारे श्रेष्ठ भाग्य की ये बात बता रहे हैं आगे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं आदि से अंत तक कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी इतनी स्मृतियाँ दिलाई है जो आप सभी सिमरती स्वरूप बन गए हो भक्ति में आप सिमरती स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त भी हर समय सिमरन करते रहते हैं आप सिमरती स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते रहते हैं भक्ति की विशेषता ही सिमरन अर्थात कीर्तन करना है सिमरन करते करते मस्ती में कितना मग्न हो जाते हैं अल्पकाल के लिए उन्हों को भी और कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती सिमरण करते करते उसमें खो जाते हैं अर्थात लवलीन हो जाते हैं ये अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता है अच्छा अभी हम क्या सुनेंगे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा का प्यार प्यार कैसे याद प्यार देते हुए तो मीठे मीठे बाप दादा याद प्यार देते हुए बोले कि चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को सदा हर कर्म में सिमृति स्वरूप की अनुभूति करने वाली अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में बाप के संबंध का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ब्राह्मण जीवन के मजे की जीवन बिताने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते वरदान सतगुरु बाबा का संगम युग पर एक का सौ गुना प्रत्यक्ष फल प्रा प्राप्त करने वाले पदमा पदम भाग्यशाली भव बाबा कहते हैं कि संगम युग ही एक का सौ गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाबा का हूँ मैं बाप का हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो माया जीत बनने का विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज और उसका सबसे बड़ा फल है स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता इस फल में सब फल आ जाते हैं स्लोगन है सच्चे ब्राह्मण वह हैं जिनको सूरत और सीरत से सच्चे ब्राह्मण वह हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनालिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो अच्छा ओम Shanti.